सो गाइस, यहीं पे सीता हरण हुआ था सीता मैया का, और काफ़ी अच्छा लगा। मैं अभी सीता गुफा, जो गुफा है वहाँ पे भी अभी गया हूँ। गाइस गुड मॉर्निंग, अभी 6 बजे का टाइम हो रहा है। हम नासिक में हैं और हम कृष्ण गोदावरी नदी के वहाँ पे आए हैं स्नान वगैरह करने। स्नान वगैरह कर लिए हैं हम लोगों ने। बाकी अभी यहाँ का आपको व्यू वगैरह दिखाता हूँ मैं। ये प्राचीन टेंपल है। इससे प्रिय यात्रीगण हैं, अभी दर्शन करके हैं, स्नान कर लिए हैं आंटी ने भी। बाकी अभी मंदिर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो मंदिर है, और ये प्राचीन मंदिर है। बाकी आंटी हो रहा है, बाकी ये है कृष्ण गोदावरी नदी, इसे बोल लेती है। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको और आगे से। ये है, ये है पूरा मंदिर, और ये देखो आप लोग, प्राचीन मंदिर है। बाकी ये अभी यहाँ पे देखो आप, बहुत अच्छा लग रहा है आके। बाकी हम बाकी हमारे यात्रीगण हैं, अभी दर्शन करने के लिए आए हैं मंदिर में। और भगवान को चिकाना पड़ रहा। बाकी देखो आप लोग, सारे हमारे यात्रीगण हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी दिख जाओ। हो गया हो गया। नहा लिए, स्नान कर लिया। ओके, टकाटक आ जाओ आ जाओ। ये वही क्षेत्र है जहाँ पे सुरपना का क्या नाक काटा था ना, सुरपना का नाक काटा था। तो ये आप पीछे क्षेत्र देख सकते हो आप, ये ओल्ड मतलब ये बहुत पुराना क्षेत्र लग रहा है। ये देखो आप लोग, काफी अच्छा लगा दर्शन करके। ये काला राम मंदिर है, ये देखो आप। यहाँ पे क्या बोलते हैं, काला राम मंदिर, श्री हनुमान। ऊपर उठाओ ए, और थोड़ा सा गाइस, ये वही स्थान है जहाँ भगवान राम ने 2.5 साल मतलब व्यतीत मतलब रहे हैं भगवान राम, यहाँ पे इस काले मंदिर में। काला राम बोला जाता है इसको। तो यही वो मंदिर है अभी, और ये क्या बोलते हैं आपको, ये यहाँ की ये देखो लोकेशन वगैरह। सारे यात्रीगण जा रहे हैं अभी। गाइस इसको ना सीता गुफा बोला जाता है, यानी 5 पेड़ों का संगम। ये देखो आप सीता गुफा, ठीक है, और ये 5 पेड़ों का संगम, सॉरी। और अभी आंटी जी बहुत सुधास खड़ी हुई है। यही लाइटिंग दिख रही है। अरे यार गाइस, यही वो गुफा है जिसमें सीता मैया को भगाया था। और ये देखो गाइस, ये पंचवटी के 5 पेड़ हैं जहाँ जिसको सीता गुफा के नाम से जाना जाता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ना, ये है पंचवटी 1, सीता गुफा दिख रहा हो आप। ये 2 है, ये 3 है, और कहाँ है
ये चार है और पांचवा ये है। सो गाइस यहीं पे सीता हरण हुआ था सीता मैया का और काफ़ी अच्छा लगा। मैं अभी सीता गुफा जो गुफा है वहाँ पे भी अभी गया हूँ। काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मन को बहुत अच्छी शांति मिली जाके। बाकी और यही वो पवित्र स्थान है जहाँ पे मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब कि यहीं पे वो चीज़ हुई, यहीं पे मतलब ये पड़ता है, नासिक में पड़ता है शायद ये। और ये सारा जितना भी काफ़ी अच्छा लगा आके यहाँ पे। बाकी और अभी हम चलते हैं आगे। अंकल जी आ जाओ, आ जाओ। वो अभी आपको गाइस दिखाया था, ये गोरे राम है, वो काले राम थे, काले राम का मंदिर था। बाकी अंदर चलते हैं, हम दर्शन करके आते हैं अभी। गाइस ये देखो सबरी के बोल यही वो स्थान है सारा, और यही वो स्थान है जहाँ पे सूर्पना का नाक काटा था भगवान। बाकी इसके पास थोड़ा काला राम पड़ता है, वहाँ पे भगवान राम लगभग 2.5-3 साल रहे हुए हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छा लगा आके नासिक में, और यहाँ पे हमें भगवान राम के दर्शन करने को मिले, उनके पुराने जो स्थल है वहाँ पे हमें जाने का बहुत बड़ा मौका मिला। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को यहाँ पे आके। बाकी मिलता हूँ मैं आपको, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर इसको करना। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।